Good morning, students. Today we are going to solve exercise 12.2 of lesson number 12, algebraic expressions. In last lecture, I explained you addition and subtraction of algebraic expression. ये topic मैंने last lecture में लिया था कि हमें algebraic expressions का addition और subtraction करना हो तो कैसे करते हैं. Adding or subtracting algebraic expressions, only like terms can be added or subtracted. जो like terms होते हैं खाली उन्हीं को हम add और subtract कर सकते हैं. Unlike terms cannot be added or subtracted. जो unlike terms और like terms मैंने आपको बताया ना, like terms, unlike terms. तो जो like terms होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को add और subtract कर सकते हैं. Unlike terms cannot be added or subtracted. Okay, the sum of two or more like term is a like term with the numerical coefficient equal to the sum of the numerical coefficient of the all the like terms. Similarly, the difference between two like terms is a like term with the numerical coefficient equal to the difference between the numerical coefficient of the two like terms. मतलब अगर दो like terms को हमें add करना है तो उनके जो numerical coefficient होते हैं उनको हम add कर देते हैं, है ना. अभी मैं आपको करा के बताऊंगी तो आपको थोड़ा और clear समझ में आएगा. Okay, so let's start the exercise 12.2. Exercise 12.2, simplify combining like terms. देखो यहाँ पे like terms दिए हुए हैं, उनको combine simplify करना है. कैसे करेंगे? First question, 21b minus 32 plus 7b minus 20b. देखो ये chapter बहुत interesting है, अगर जो अच्छे से समझ लेगा ना उनको ये sums करने में बहुत मजा आएगा. मैं सच बोल रही हूँ, ध्यान से समझना. देखो इसके सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. अब इसमें देखो b ये लाइक टर्म्स हैं, इन लाइक टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे और ये जो माइनस 32 है उसको कांस्टेंट जो है उसको साइड में कर देंगे. ठीक है, तो 21b प्लस 7b माइनस 20b और माइनस 32 जो कांस्टेंट है उसको हमने साइड में कर दिया. अब देखो प्लस 21b है और प्लस 7b, देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको. तो हमने क्या किया, 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32. अब इसमें ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस प्लस को ऐड करके एक नंबर बना देंगे. तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28b माइनस 20b माइनस 32. अब एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 8b. लेकिन पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 28 पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है. तो 8b माइनस 32. अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन का ये सॉल्यूशन हो गया, 8b माइनस 32. देखो वही किया, 21b प्लस 7b माइनस 20b, जो लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ लिख दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया. फिर उनको सॉल्व कर लिया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है. तो पहले प्लस प्लस को ऐड करके एक नंबर बना लिया, है ना. इन लोगों ने क्या किया, 21 प्लस 7 माइनस 20, न्यूमेरिकल कोफिशियंट को एक साथ लिख लिया और ये जो कॉमन जो था वेरिएबल उसको एक साइड कर दिया. इनको सॉल्व किया, 21 प्लस 7 28, 28 माइनस 20 8b माइनस 32. ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया कि 21 प्लस 7 28b माइनस 20b माइनस 32, और इसमें से माइनस के डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. अब देखो दो इसमें स्क्वायर वाले हैं, एक क्यूब का है और दो जेड के हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, जो क्यूब वाला है उसको एक साइड ले लिया. देखो 7z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 15z. लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, है ना. 7z क्यूब का एक ही टर्म था उसको पहले ले लिया हमने, फिर जेड स्क्वायर के दो टर्म थे माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर, उनको एक साथ ले लिया, और माइनस 5z और माइनस 15z को एक साथ ले लिया. समझ में आया यहां तक?
अब क्या किया, ये तो एज इट इज रहा क्योंकि ये तो एक ही टर्म है, 7z³। अब यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z², तो जिसमें क्वेश्चन था सोनी वाले का क्वेश्चन क्या होता है, माइनस वन, तो जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, देखो दोनों का जेड स्क्वायर को साइड में कर दिया, यहाँ पे हो गया माइनस वन प्लस 13, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जेड को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया माइनस फाइव माइनस 15, ये भी माइनस फाइव है, ये माइनस 15 है। अब देखो ये जेड 7z³ तो एज इट इज रहा, प्लस प्लस माइनस माइनस, और प्लस का नंबर बड़ा है 13, तो 13 माइनस 1 12, तो आंसर आ गया 12z² प्लस, बाहर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो साइन रहेगा लेकिन माइनस का, तो 15 प्लस 5 20, तो माइनस 20z। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया, 7z³ प्लस 12z² माइनस 20z। समझ में आया, क्या किया, सबसे पहले एक्सप्रेशन में से हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे 7z³ का एक ही टर्म था, दो जेड स्क्वायर के थे और जो तीसरा था वो z के थे, उनको लिख लिया। फिर जो 7z³ तो एक ही है, उसके एज इट इज रहा, इनके फिर न्यूमेरिकल कोफिशियंट को प्लस माइनस कर लिया और लास्ट में जो एक्सप्रेशन आया वो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी। देखो अब इसमें क्या होगा, ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। इंटीजर्स में याद रहे ना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पी है, पी बाहर माइनस है, तो ये प्लस वाला पी है, इसके अंदर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पी, और ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस पी, मतलब ये प्लस था ये माइनस था, है ना, तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, पी पी को एक साइड ले लिया, पी माइनस पी प्लस पी, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, इनका कोफिशियंट क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है तो वन माइनस वन प्लस वन, और पी हो गया कॉमन, और इसमें क्या होगा वन माइनस वन माइनस वन, और इसका क्यू क्या हो गया कॉमन। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो वन प्लस वन टू ना, प्लस प्लस के दो है तो टू हो गया, टू माइनस वन वन, और यहाँ वन है और ये माइनस माइनस के दो है तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस टू और वन, तो माइनस वन। तो ये नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं बात करके बताती हूँ, कुछ ज्यादा समझ में आएगा। इसमें था क्वेश्चन था पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो पी बाहर माइनस का साइन है, अंदर ये पी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस पी, और माइनस क्यू क्या हो जाएगा प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, और माइनस पी हो जाएगा प्लस पी। यहां तक समझ में आया, अब पी पी को एक साथ लिख लेंगे, ये पी फिर माइनस पी और फिर क्या है ये प्लस पी। ठीक है, अब प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। अब इस पर देखो, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वन, इसका माइनस वन, इसका प्लस वन, और कॉमन क्या हो गया इसमें पी, प्लस इसका वन, इसका माइनस वन, इसका माइनस वन, और ब्रैकेट में हो गया क्यू। समझ में, जिसका कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है वन, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वन, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वन, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो वन, ये प्लस का वन है, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन पी प्लस, अब ये क्या है वन प्लस है और दो माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस टू क्यू। अब टू माइनस वन क्या हो गया वन, है ना, टू माइनस वन वन, इसका मतलब वन पी प्लस, अब वन माइनस टू तो क्या आएगा आंसर माइनस वन क्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, ब्रैकेट क्या, तो पी वन जा पी एंड क्यू माइनस वन जा माइनस क्यू, तो आंसर क्या हो गया पी माइनस क्यू। समझ में आया कैसे किया,
देखने में ही ऐसा लगता है कितने बड़े सम है, कितने कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम है इजी। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a माइनस 2b माइनस ab। ये देखो 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस a प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम क्या करेंगे, लाइक एक्सप्रेशन को सामने सामने कर लेंगे। ओके देखो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट पहले खोलना पड़ेगा। देखो 3a माइनस 2b माइनस ab, अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस a क्या हो जाएगा माइनस a, माइनस b क्या हो जाएगा प्लस b, और प्लस ab क्या हो जाएगा माइनस ab, प्लस 3ab प्लस b माइनस a, ये एज इट इज हो गया। खाली क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन किया हमने, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो अंदर के साइन चेंज हो गए, ए हो गया माइनस ए, माइनस बी हो गया प्लस बी, और प्लस ए बी हो गया माइनस ए बी। अब देखो जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर लेंगे, तो ए वाले वाले एक साथ कर लेंगे तो 3a माइनस ए और माइनस ए ये एक साथ हो गए, प्लस b वाले लेंगे अभी माइनस 2b प्लस b एंड प्लस b, अब ए बी वालों को एक साथ ले लेंगे प्लस माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस थ्री ए बी। देखो सब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो ये तो थ्री माइनस वन माइनस वन है ना, थ्री माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन बी, और ये माइनस वन माइनस वन प्लस थ्री ए बी। देखो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को किया अलग और वेरिएबल को अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, तो थ्री माइनस टू वन। अब यहाँ माइनस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस टू, प्लस टू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू माइनस टू जीरो, तो जीरो भी हो गया। अब यहाँ पे माइनस वन प्लस थ्री मतलब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टू प्लस थ्री ए बी, तो प्लस टू और प्लस थ्री क्या हो जाएगा फाइव, ये माइनस के टू हो गए प्लस के थ्री हो गए, तो प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस टू वन पर पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि थ्री बड़ा है तो वन ए बी, तो ये हो गया ए वन जा ए, और जीरो से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते तो जीरो हो जाता है इसलिए तो खत्म हो गया, अब बचेगा ए बी, तो आंसर हो गया ए प्लस ए बी। समझ में आया है ना, बस इसको समझ के करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है, फिर उनके न्यूमेरिकल कोफिशियंट को अलग, वेरिएबल को अलग कर लेना है, फिर उनके न्यूमेरिकल जो है कोफिशियंट उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। फिफ्थ देखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब हम पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर y को वाले मतलब उसमें जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर लेंगे, तो x स्क्वायर y वाले को पहले एक साथ कर लेंगे। देखो 5x स्क्वायर y प्लस 3yx स्क्वायर, देखो x स्क्वायर y हो या yx स्क्वायर हो बात तो सेम ही है ना, तो प्लस 3yx स्क्वायर, बाकी और कोई है नहीं, ये y स्क्वायर है, ये भी नहीं हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए x स्क्वायर y, yx स्क्वायर, लेकिन ये क्या है x y स्क्वायर, ये नहीं चलेगा है ना, तो ये दो ही टर्म है एक साथ ले लिए, प्लस अब है 8xy स्क्वायर, इसका एक ही टर्म है, फिर उसके बाद है x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसके दो ही टर्म है ना, फिर आप बचता है कौन सा y स्क्वायर प्लस माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये तो ये सारे टर्म्स को कितने टर्म्स है, वन टू थ्री फोर, फोर टाइप के टर्म्स है, उन सबको हमने अलग अलग कर लिया। अब सॉल्व करेंगे, देखो तो एक्स स्क्वायर वाई का कितना है यहाँ पे फाइव, न्यूमेरिकल कोफिशियंट फाइव, और वाई एक्स स्क्वायर का थ्री, तो फाइव प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर वाई को साइड में कर दिया वेरिएबल को, प्लस
ये तो एक ही है, एट एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका तो एट न्यूमेरिकल कोफिशियंट अलग कर दिया, एक्स वाई स्क्वायर अलग कर दिया, प्लस यहाँ माइनस फाइव प्लस वन बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस थ्री माइनस वन और माइनस थ्री वाई स्क्वायर, है ना, समझ रहे हो, वेरिएबल को कॉमन ले लिया और न्यूमेरिकल कोफिशियंट को अलग कर दिया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो फाइव प्लस थ्री और बाहर आ गया एक्स स्क्वायर वाई कॉमन है वो बाहर ले लिया, इसमें क्या कॉमन है एक्स वाई स्क्वायर और एट न्यूमेरिकल कोफिशियंट है उसका, यहाँ पे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस फाइव प्लस वन, है ना, माइनस फाइव प्लस वन, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचा माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री, अब देखो फाइव प्लस थ्री तो एट हो गया, ये हो गया एट एक्स स्क्वायर वाई, ये एट एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज रहा क्योंकि ये एक ही टर्म था, अब यहाँ माइनस फाइव प्लस वन, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो फाइव से वन माइनस हुआ तो कितना बचा फोर, पर कौन सा बचे तो माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तीनों ही जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, तो ये हो गया माइनस सेवन वाई स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया एट एक्स स्क्वायर वाई प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस क्योंकि बाहर प्लस है साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्सप्रेशन, देखो बहुत ध्यान से करना है, इसमें साइन की भी बहुत वैल्यू होती है, साइन बहुत ध्यान रखना है, बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं और बाहर अगर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब सिक्स वाला देखो, थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस फोर माइनस एट वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर, तो फर्स्ट का ब्रैकेट खोलेंगे तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस फोर, अब यहाँ बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एट वाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एट वाई माइनस वाई विल बी प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस फोर इज प्लस फोर, देखो अंदर के साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर किसका साइन था माइनस का साइन था, तो जब हमने ये ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा उनके साइन चेंज जाएंगे, प्लस जो है वो माइनस बन गया और दोनों माइनस जो थे वो दोनों प्लस बन गए, अब इसको लाइक टर्म्स को एक साथ देखेंगे, थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ हो गया, देन प्लस फाइव वाई माइनस एट वाई, देन प्लस माइनस फोर प्लस फोर, इनको अलग अलग जो लाइक टर्म्स है उनको अलग अलग कर दिए, है ना, ये दो एक साथ हो गया प्लस ये दो एक साथ प्लस ये दो एक साथ, अब इनको सॉल्व करेंगे, इसमें कितना न्यूमेरिकल कोफिशियंट है थ्री, इसमें प्लस वन, तो थ्री प्लस वन वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, प्लस इसमें फाइव माइनस एट वाई कॉमन हो गया, प्लस माइनस फोर प्लस फोर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे जीरो हो जाएगा, है ना, तो थ्री प्लस वन फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव माइनस एट, अब फाइव से एट को माइनस करना है तो नेगेटिव में आंसर आएगा माइनस थ्री वाई, और ये तो हो गया जीरो प्लस जीरो, तो क्या इक्वेशन बचा फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करूंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई, समझ में आया, नहीं तो मैं करके दिखाती हूँ, देखो एक बार लिख के, क्वेश्चन था हमारा ये, अब हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया, देखो तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस फोर माइनस एट वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, अब हम क्या करेंगे, पहले वाई स्क्वायर को उन्होंने अलग बना लिया, है ना, तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, प्लस अब y को एक साथ करेंगे तो 5y माइनस 8y, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस माइनस 4 प्लस 4, तो लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया, अब देखो 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वैसे देखो 4y स्क्वायर हो जाता है, या इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3 प्लस वाई स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वन, वाई स्क्वायर हो गया कॉमन, प्लस इसमें ब्रैकेट में फाइव वाई का
फाइव न्यूमेरिकल कोफिशियंट माइनस इसका एट और बाहर कॉमन क्या हो गया वाई और प्लस माइनस ये क्या हो गया जीरो. अब थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव से एट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस थ्री वाई है ना. तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये फोर वाई स्क्वायर. अब यहां देखो बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा माइनस थ्री वाई इज द आंसर. समझ में आया. बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं लेकिन बाहर यहाँ क्या प्लस था तो अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ माइनस थ्री एज इट इज रहा. तो हमारा सॉल्व करके एक्सप्रेशन क्या आया फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई. ओके तो ये हमने क्या किया क्वेश्चन क्या था कंबाइन सिंप्लीफाई करना था कंबाइनिंग लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना था. जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया था उसमें जो भी लाइक टर्म्स थे तो हमने क्या किया उनके अलग अलग ग्रुप बना लिए लाइक टर्म्स के फिर उनको सॉल्व करते गए और सिंप्लीफाई कर दिया एक्सप्रेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है एड. अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसको ध्यान से समझना क्या है एड. क्वेश्चन इज थ्री. देखो क्या क्वेश्चन है एड करना है थ्री एम एन प्लस माइनस फाइव. हमें ऐड करना है तो हमें ऐड का साइन लगाना पड़ेगा ना बीच में सबके सारे टर्म्स के बीच में प्लस एट एम एन प्लस माइनस फोर एम एन. देखो चारों टर्म्स को हमने प्लस कर दिया प्लस के साइन लगा दिया बीच में. अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तो थ्री एम एन. अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा माइनस फाइव एम एन प्लस एट एम एन. फिर बाहर प्लस है अंदर का साइन चेंज नहीं होगा माइनस फोर एम एन. इसको ओपन कर दिया ठीक है. अब क्या करेंगे प्लस प्लस को एक साथ लिखेंगे माइनस माइनस को एक साथ ले लेंगे ठीक है. तो इज इक्वल टू थ्री एम एन प्लस एट एम एन माइनस फाइव एम एन माइनस फोर एम एन. अब इसमें देखो एम एन जो है वो सब में कॉमन है तो इसका कोफिशियंट क्या हो गया थ्री प्लस इसका कोफिशियंट क्या हो गया एट इसका कोफिशियंट हो गया फाइव इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट हो गया फोर और कॉमन क्या हो गया एम एन. अब एट प्लस थ्री कितना हो गया इलेवन और माइनस माइनस को ऐड करते हैं माइनस माइनस क्या होता है ऐड हो जाते हैं पर साइन किसका रहता है माइनस का तो माइनस नाइन एम एन और इलेवन माइनस नाइन टू टू एम एन इज द आंसर. तो समझ में आया कैसे सॉल्व किया. ये हमें अलग अलग टर्म्स दिए हैं इन टर्म्स को हमें क्या करना है ऐड करना है क्या करना है ऐड करना है. तो सबके बीच में हम प्लस का साइन लगाते जाएंगे तो हमने ये ऐड कर दिए उसके बाद से ब्रैकेट ओपन किए प्लस था तो इसके अंदर जो माइनस का साइन था वो चेंज नहीं हुआ. फिर हमने क्या किया इन सबको ओपन कर दिया फिर प्लस वाले एक साथ लिख लिए माइनस वाले एक साथ लिख लिए फिर उनके न्यूमेरिकल कोफिशियंट को लिख के एम एन सब में कॉमन था एम एन वेरिएबल को बाहर ले लिया और उनके न्यूमेरिकल कोफिशियंट को एक साथ लिख के सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया टू एम एन. देखो बेटा सारे सम्स कराने तो पॉसिबल नहीं है मैं एक एक दो दो करवा रही हूँ बाकी सब आपको ध्यान से अपने आप करने हैं और जो नहीं आएगा तो मैं पीडीएफ दूंगी उसमें से देखना है और नहीं समझ में आए तो आप मुझे फिर 4 to 5 के बीच में पूछ सकते हो ठीक है. और देखो फर्स्ट मैंने आपको करवाया अब मैं करवाती हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 7 एम एन प्लस 5 प्लस सेकेंड टर्म क्या है 12 एम एन प्लस 2 प्लस 9 एम एन माइनस
एट प्लस माइनस टू एम एन माइनस थ्री, फोर टर्म्स थी इसमें, फोर टर्म्स को हमने ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन एम एन प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व एम एन प्लस टू प्लस नाइन एम एन माइनस एट। अब बाहर प्लस का साइन था तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस टू एम एन माइनस थ्री। अब क्या करेंगे, एम एन वालों को सबको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस सेवन एम एन प्लस ट्वेल्व एम एन प्लस नाइन एम एन माइनस टू एम एन। ये हमने क्या किया, एम एन वाले जो टर्म्स थे उन सबको अलग कर लिया, और प्लस ब्रैकेट में जो कांस्टेंट थे वो क्या क्या बचे, देखो फाइव प्लस फाइव है, देन प्लस टू प्लस टू, देन माइनस एट और माइनस थ्री। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एम एन इसमें कॉमन हो जाएगा तो इनका जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन देन प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व देन प्लस नाइन माइनस टू एम एन, एम एन कॉमन हो गया एम एन है ना, प्लस इनका जो था ये जो कांस्टेंट थे उनको करेंगे, देखो तो फाइव प्लस टू कितना हो जाएगा, दो प्लस के हैं दो नेगेटिव, फाइव प्लस टू सेवन, और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस एट और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस इलेवन माइनस इलेवन। ठीक है, अब इसको इनको सॉल्व करो, माइनस सेवन माइनस टू प्लस ट्वेल्व प्लस नाइन एम एन प्लस सेवन माइनस इलेवन, सेवन माइनस इलेवन क्या होगा, माइनस फोर है ना, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, तो सेवन माइनस इलेवन इज इक्वल टू माइनस फोर। अब इसको सॉल्व करो, माइनस सेवन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व और नाइन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन एम एन प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस फोर। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 12, पर प्लस का होगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, ये हो जाएगा 12 एम एन, और बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 12 एम एन माइनस 4, ये हो गया आंसर। इस इन टर्म्स को ऐड करके हमारा क्या आंसर आया, 12 एम एन माइनस 4। देखो सिर्फ हमें देखते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो है वो सम में ही दिया हुआ है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है, साइन गड़बड़ हुआ तो सम गड़बड़ हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान साइन का रखना होता है। समझ में आया, देखो तीन टर्म, कितने टर्म्स थे, वन टू थ्री फोर, फोर टर्म्स को हमने पहले प्लस कर दिया, उसके बाद हमने जो एम एन वाला था उनको एक साइड कर दिया, और जो कॉन्स्टेंट थे उनको हमने एक साथ कर दिया, फिर वेरिएबल उसमें एम एन कॉमन ले लिया, और अंदर के न्यूमेरिकल कोफिशियंट को हमने सॉल्व कर दिया, ऐसे बाहर कॉन्स्टेंट को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके जो आंसर आया वो ये हो गया। क्लियर, ओके, नेक्स्ट करके बताती हूँ, ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन थ्री, अभी देखो मैं कराती हूं आपको सिक्स नंबर का। बाकी सम आपको खुद से करने हैं, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइव फाइव एम
एन माइनस सेवन एन माइनस सेवन एन प्लस थ्री एन माइनस फोर एम प्लस टू फिर तीसरा क्या है तीसरा टर्म है प्लस टू एम माइनस थ्री एम एन माइनस फाइव तीनों टर्म को प्लस कर दिया ओके okay, अब इसमें हमें क्या क्या दिख रहे हैं एम एन वाले दिख रहे हैं एक एन दिख रहा है और एक एम दिख रहा है तो पहले हम क्या करेंगे एम एन वालों को एक साथ ले लेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा फाइव एम एन फिर कौन सा है माइनस थ्री एम एन ये एक साथ हो गया प्लस अब हम ले लेंगे एन वालों को माइनस सेवन एन प्लस थ्री एन प्लस थ्री एन और कुछ है नहीं और कुछ नहीं है फिर हम एम वाले को ले लेंगे प्लस माइनस फोर एम और प्लस टू एम प्लस फिर कोफिशियंट जो कांस्टेंट है क्या है प्लस टू टू माइनस फाइव समझ में आया इस तरीके से हमने ये ले लिए एम एन वालों को एक साथ कर लिए मतलब लाइक टर्म्स को इस पर ध्यान से एक साथ करना है ना प्लस का साइन लगाना है वो ध्यान रखना है अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा इसका न्यूमेरिकल अंदर क्या हो जाएगा फाइव माइनस थ्री और एम एन हो गया कॉमन प्लस ब्रैकेट में माइनस सेवन प्लस थ्री और क्या कॉमन हो गया एन प्लस माइनस फोर प्लस टू और क्या कॉमन हो गया एम प्लस टू माइनस फाइव तो क्या आएगा माइनस थ्री क्योंकि टू छोटा है माइनस फाइव बड़ा है तो क्या आएगा इसमें माइनस थ्री अब इसको सॉल्व करो फाइव माइनस थ्री कितना होता है फाइव माइनस थ्री टू तो क्या आ जाएगा टू एम एन अब देखो यहां पे क्या है माइनस सेवन प्लस थ्री तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस और माइनस कितना आएगा फोर और बाहर प्लस का साइन चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा सॉरी क्या आ जाएगा क्या बताया थी मैं हाँ माइनस सेवन प्लस थ्री प्लस माइनस क्या होता है माइनस सेवन माइनस थ्री फोर पर साइन किसका आएगा माइनस का माइनस फोर एन अब देखो यहां बाहर प्लस है अंदर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो फोर माइनस टू आएगा क्यों क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है वो तो बाहर प्लस का साइन चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा टू एम प्लस माइनस माइनस है ना बाहर प्लस का साइन है अंदर माइनस साइन चेंज नहीं होगा माइनस थ्री तो ये इसको सॉल्व करके आंसर आ गया थ्री एम माइनस फोर एन माइनस थ्री एम एन माइनस थ्री माइनस थ्री एम एन कहाँ से आ रहा है फाइव एम था फाइव एम और टू एम था सॉरी ये फाइव ये टू था टू तो क्या हो जाएगा थ्री एम एन फाइव में से टू गया तो कितना बचा थ्री थ्री एम एन बचेगा ये देखो यहाँ पे टू है टू टू ठीक है यहाँ पे थ्री एम एन बचा तो थ्री एम एन माइनस फोर एन माइनस टू एम माइनस थ्री बस इस तरीके से सॉल्व करना है आपको जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बस उसमें ही ध्यान देना है ध्यान देते देते साइन का बहुत ध्यान रखना है बस बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा माइनस है तो माइनस रहेगा प्लस है तो प्लस ही रहेगा लेकिन अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन ब्रैकेट के चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा समझ में आया
तो ये मैंने आपको कराए सारे सम्स एडिशन के, उसमें से भी आप बाकी के सब आपको अपने आप करने हैं, और जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। ये कोई सब सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब आता है नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको पहले से सिखाती हुई आ रही हूं कि माइनस फाइव वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम वाई स्क्वायर से, मतलब y स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस फाइव, ये ध्यान रखना है बहुत। आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का साइन तो अलग होगा, और ये माइनस फाइव वाई स्क्वायर दिया है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट माइनस फाइव वाई स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर, माइनस फाइव वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो वाई स्क्वायर से, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस फाइव स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस फाइव वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर, इसमें क्या हो गया वन, इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट, इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट फाइव, और कॉमन क्या हुआ वाई स्क्वायर, तो फाइव प्लस वन सिक्स वाई स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया सिक्स वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो सब्ट्रैक्ट सिक्स एक्स वाई फ्रॉम माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, मतलब माइनस ट्वेल्व एक्स वाई से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम सिक्स एक्स वाई को। अब इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट है क्या है माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स, और कॉमन क्या हो गया एक्स वाई, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, पर किसका माइनस का, माइनस एटीन एक्स वाई, माइनस एटीन एक्स वाई। इस तरीके से सॉल्व करने है ना, इजी, बहुत इजी है, बस ध्यान से अगर आप करोगे तो ही समझ में आएगा, और ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन फ्रॉम फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस एट, मतलब किससे, फोर एम स्क्वायर से, फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस एट, इससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट में एम स्क्वायर, अच्छा माइनस तो लगाया नहीं, माइनस लग दो, माइनस दिया है तो माइनस लगाना ही है, फिर से लिखते देखो यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एम स्क्वायर प्लस फाइव एम एन फ्रॉम फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस एट, फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस एट से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है माइनस एम स्क्वायर प्लस फाइव एम एन, फाइव एम एन इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस एट, अब बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस फाइव एम एन, फाइव एम एन। अब देखो एम एन वालों को एक साथ ले लेंगे और एम स्क्वायर वालों को एक साथ ले लेंगे, तो पहले हम ले लेंगे फोर फोर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर लेंगे माइनस थ्री एम एन माइनस फाइव एम एन और प्लस एट, एक ही कांस्टेंट है प्लस एट। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन, और कॉमन क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस प्लस, अभी हम लेंगे 3mn का, तो इसका हो गया 3 और इसका हो गया माइनस फाइव एम एन, और इसमें न्यूमेरिकल उसका कॉन्स्टेंट क्या है प्लस एट, प्लस
एट। अब इसको सॉल्व किया, फोर प्लस वन फाइव एम स्क्वायर आया, क्या आया फाइव एम स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव मतलब माइनस टू, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, टू एम एन प्लस एट प्लस एट, तो क्या हो जाएगा फाइव एम स्क्वायर, बाहर प्लस है साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस टू एम एन प्लस एट, तो आ गया सॉल्व करके फाइव एम स्क्वायर माइनस एट एम एन, अच्छा माइनस थ्री था यहाँ पे, देखो ये माइनस थ्री, माइनस थ्री एम एन माइनस फाइव एम एन, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये एट हो जाएगा एट, तो एम स्क्वायर माइनस एट एम एन प्लस एट इज द आंसर। तो समझ में आया कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, आगे वाले उसको आगे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है पीछे वाले एक्सप्रेशन से, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है मतलब वो आगे आता है, और सब्ट्रैक्ट जिसमें लिखा है वो पीछे आएगा, ठीक है ओके नेक्स्ट देखेंगे अभी। तो समझ में आया किस तरह के सब्ट्रैक्ट करने, अब आप बाकी के सब अपने आप करोगे ध्यान से समझ के, और जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगे। अब नेक्स्ट देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, आगे वाले एक्सप्रेशन को पीछे वाले एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ध्यान रखना है कि साइन किसका है, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट का, और अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ये सब देखो किए हुए सॉल्व, आप ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक में करोगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर आता है, हाँ व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई, इसमें इस एक्सप्रेशन में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाए, फाइव में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे एट मिल जाए, तो कितना ऐड करूं थ्री, वो थ्री कहां से आया एट माइनस फाइव करके आया है ना, मेरा क्वेश्चन था कि फाइव नंबर में मैं कितना नंबर ऐड करूं कि मुझे एट मिल जाए, तो क्या किया मैंने एट से फाइव को माइनस कर दिया तो कितना आया थ्री, इसका मतलब फाइव में मैं थ्री ऐड करूं तो मुझे एट मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व दीज में आते ही आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मैं कितना ऐड करूं कि मुझे ये मिल जाए, मैं क्या करूंगी इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी है ना, क्या करूंगी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्या करेंगे हम जो टोटल है उस टोटल में से इस एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये दो नंबर का टोटल दिया हुआ है, उस टोटल में से एक नंबर हमें पता है दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे टोटल में से इस एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई, अब यहां बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे x स्क्वायर वालों को एक साथ देख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद हमने क्या लिया y स्क्वायर को ले लिया, देन प्लस 3xy थ्री एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है देखो टू माइनस वन, और क्या कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन इसका है ना माइनस वन वाई स्क्वायर प्लस इसका थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन एक्स वाई,
तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या है, प्लस 1 वाई स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, ऐसी कैसी, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 2, तो प्लस 2 एक्स वाई, तो क्या बन गया आपका ये आंसर, 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यही तो गड़बड़ करना है, देखो मैंने ही खुद गलत कर दिया यहाँ पे, माइनस है देखो, माइनस 1 वाई स्क्वायर था ना, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि दिस शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू गेट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई, मतलब इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में अगर हम ये ऐड करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, तो हमें डेफिनेटली ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब फोर्थ का बी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, कि इससे मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या माइनस करूं कि मुझे ये मिले, 5 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 3 मिले, तो क्या करूंगी मैं, 5 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 3 मिले, तो मैं क्या करूंगी, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस एक्सप्रेशन से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे ये मिले, तो क्या करूंगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, है ना। देखो, इन ऑर्डर टू गेट द नंबर वी शुड सब्ट्रैक्ट माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16 फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2a, देखो 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब देखो बाहर का ब्रैकेट खोलेंगे वो तो एज इट इज रहेगा, अब यहां ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3a विल बी प्लस 3a प्लस 7b माइनस 7b प्लस 16 माइनस 16। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, मतलब a वाले एक साथ b वाले एक साथ, तो 2a प्लस 3a प्लस 8b माइनस 7b प्लस फिर कांस्टेंट को एक साथ ले लिया प्लस 10 माइनस 16। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस 3 a कॉमन हो गया, इसमें 8 माइनस 7 बी कॉमन हो गया, और 10 माइनस 16 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 बचा। अब देखो 3 प्लस 2 5a हो गया ये, प्लस 8 माइनस 7 मतलब 1, तो 1b प्लस माइनस 6। अब ये हो गया 5 को a से मल्टीप्लाई किया तो 5a, 1 को b के साथ किया तो 1b बन जा b, एंड बाहर प्लस का साइन है अंदर का माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस 6, तो क्या आ गया, 5a प्लस b माइनस 6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, कि इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इससे 2a प्लस 8b प्लस 10 से, तो हमें ये मिलेगा। समझ में आया, मैंने एक सिंपल एग्जांपल देकर आपको समझाया कि 5 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 3 मिले, तो मैंने क्या किया, 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो 2 आया, इसका मतलब मुझे 2 मिले, तो वो आंसर हो। इसी तरह हमने इस एक्सप्रेशन को भी किया। क्वेश्चन नंबर 5, What should be taken away from 3x square minus 4y square plus 5x plus 20 to obtain this expression minus x square minus y square plus 6xy plus 20? कि इसमें से मैं कितना ले लूं? What should be taken away from this expression कि मुझे ये बन जाए? कि 8 में से मैं कितना निकालूं कि मुझे 5 मिल जाए? तो मैं क्या करूंगी? 8 minus 5 तो 3, तो same ये है कि मैं इस expression से कितना निकालूं
कि मुझे ये मिल जाए, तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 20 फ्रॉम दिस, है ना। मैंने क्या बोला, फाइव में से मैं कितना ले लूं कि मुझे थ्री मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी, फाइव माइनस थ्री, तो सेम है, इस एक्सप्रेशन से मैं कितना निकालूं कि मुझे ये मिल जाए, तो आप क्या करो, एक्सप्रेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। देखो यही किया उन्होंने कि इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड दिस फ्रॉम दिस। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या, पहले ये एक्सप्रेशन साथ में लिखा, देखो क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 20 माइनस, ये टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे तो बाहर इसमें माइनस का साइन लग गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आगे वाले तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ माइनस होने की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर विल बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस 20 माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको सॉल्व करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये तो वाई स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये एक साथ हो गया, फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर और कोई दूसरा है प्लस वाई स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, प्लस फाइव एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई, तो अब देखो इसमें प्लस माइनस है ना, तो प्लस फाइव माइनस सिक्स हो जाएगा एंड कॉन्स्टेंट प्लस 20 माइनस 20, देखो यही है। अब इसमें क्या कर दिया इन लोगों ने, सब लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिए, लाइक टर्म्स को एक साथ करके उनके न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट उनको सॉल्व कर लिया, थ्री प्लस वन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव माइनस सिक्स वन, वन एक्स वाई प्लस जीरो, 20 माइनस 20 तो कट गया है ना, 20 माइनस 20 जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, थ्री प्लस वन फोर एक्स स्क्वायर, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव माइनस सिक्स वन, तो ये वन एक्स हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जीरो, तो क्या इक्वेशन बन गया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई शुड बी रिमेन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, की इस ये बनाने के लिए कि हमको फाइव में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमको टू मिले, तो हमने क्या किया, फाइव में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर मिल गया। अब सिक्स क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस, इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करके जो आंसर आए उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सम ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों का सम किया, तो देखो 3x माइनस वाई प्लस 11 तो एज इट इज रहा, प्लस ये ब्रैकेट में लिया माइनस वाई माइनस 11, अब ब्रैकेट ओपन किया तो बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 3x एक ही है तो एक ही रहेगा, माइनस वाई प्लस 11 ये इसका हो और माइनस 11 ये इनके कॉन्स्टेंट हो गए। अब देखो माइनस 3x तो ये तो सिंगल ही है, 3x माइनस सॉरी 3x तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y और ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस जीरो, तो क्या आंसर बच क्या आया, प्लस करके 3x माइनस 2y, तो पहले क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था, फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था। देखो अब सब्ट्रैक्टिंग 3x माइनस वाई माइनस 11 फ्रॉम 3x माइनस 2y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिस फ्रॉम जिसके आगे लगा होता है वो आगे आता है, तो 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस y माइनस 11। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आगे तो एज इट इज रहा 3x माइनस 2y, ये 3x बन गया माइनस 3x, माइनस y बन गया प्लस y और माइनस 11 बन गया प्लस 11। अब x x को एक साथ ले लेंगे, 3x माइनस 3x माइनस 2y प्लस y प्लस 11। अब इसमें देखो 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, जीरो, क्या बचा सिर्फ ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, कट गया ना, प्लस 3x माइनस 3x मतलब नथिंग, जीरो। अब यहाँ पे माइनस 2y प्लस 1 तो क्या बचेगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, मतलब माइनस y प्लस 11, तो आंसर क्या हो गया, माइनस y प्लस 11। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दो एक्सप्रेशन के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके जो आंसर आया, ऐड करके आया 3x माइनस 2y, तो 3
तो 3x माइनस वाई माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट किया 3x माइनस 2y से, उन दोनों के सम से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब इसमें चार एक्सप्रेशन दिए हैं, इन दो को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, फिर पहले वाले दो एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा उससे दूसरे वाले का जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फ्रॉम कहाँ लगा है, इन दोनों के आगे, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को। तो पहले दोनों का ऐड कर लेंगे, देखो द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब दोनों को ऐड करना है, तो 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है, तो 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लिया, 4 प्लस 5 एक साथ ले लिए, अब प्लस 3x माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया 9 प्लस 3x माइनस 4x, तो प्लस माइनस माइनस तो क्या बचेगा माइनस 1 मतलब माइनस x है ना, 3x माइनस 4x तो क्या बचा माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये प्लस है बाहर का साइन, ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज नहीं होगा, 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया पहले के दो एक्सप्रेशन को सम करके। अब दूसरा लेंगे, द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखो इसमें भी प्लस का साइन लगाएंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे और सब एज इट इज रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लिया, माइनस 5x प्लस 2x को एक साथ ले लिया, बचा प्लस 5, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ, बस सिर्फ साइन का ध्यान रखना है इसमें, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया। अब ये 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर में से इसका हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3, इसका माइनस 1, तो क्या बचेगा 2, 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 5 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस 3x प्लस 5, तो क्या आंसर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इन दोनों का सम करके ये आया, इन दोनों का सम करके ये आया, इसके सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर क्या था, किसको सब्ट्रैक्ट करना था, देखो इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9 माइनस x प्लस 2xy। तो हम आगे लिखेंगे 9 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो आगे का तो जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर बन गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3x बन गया प्लस 3x, प्लस 5 बन गया माइनस 5। अब कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ ले लिया, 9 माइनस 5 को एक साथ ले लिया, प्लस माइनस x प्लस 3x एक साथ ले लिए, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक साथ ले लिया। अब 9 माइनस 5 4, क्योंकि 9 बड़ा है ना। अब यहाँ माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा 2x, देखो माइनस 1 प्लस 3x, यहाँ पे 2 माइनस 2 x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 4 हो गया, प्लस यहाँ पे बचा माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2x, और ये हो गया कट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, दोनों एक जैसे हो गए 0, तो क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया 4 प्लस 2x, ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया आंसर। तो समझ में आया, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ध्यान से करोगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, पर बहुत इजी है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो सॉल्व करने में बहुत मजा आता है सम्स को, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है, ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक में करना, जो भी डिफिकल्टी होगी 4 to 5 के बीच में पूछना। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ओके। सो बाय एंड टेक केयर।